फाइनली यार अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल एंड फ्लिपकार्ट की बीबीडी बिग बिलियन डे सेल, इन दोनों की आज डेट्स अनाउंस हो गई हैं। 26 से ये सेल स्टार्ट होगी प्राइम यूजर्स के लिए एंड नॉन प्राइम यूजर्स के लिए 27th of September एंड सेम विद फ्लिपकार्ट। तो पूरे एक साल के बाद ये समय आता है जब हर एक चीज पे एकदम ही मैक्सिमम डिस्काउंट मिलते हैं हमें। सेल से रिलेटेड मैं बहुत सी भर भर के वीडियोस बनाने वाला हूं, आप उसके लिए जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 35,000 के सबसे बेस्ट लैपटॉप्स की। लेकिन भाई ये वीडियो तो 30,000 वाले लैपटॉप की है, फिर 35,000 के लैपटॉप्स क्यों? क्या हुई? क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स आपको डिस्काउंट पे मिलेंगे। तो ये जो सारे लैपटॉप मैं आपको बताऊंगा ना, ये आपको अराउंड 30,000 में बड़े आराम से मिल जाएंगे ड्यूरिंग ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। आप अभी इन्हें कार्ट में जाके ऐड कर लो ताकि आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप अपना लैपटॉप बाय करो। जैसे कि ये अपनी वीडियो का सबसे पहला लैपटॉप है, एचपी का लैपटॉप 15S, 30,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। राइजन 3 प्रोसेसर मिल जाता है 5300U 5000 सीरीज का, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला। ये लैपटॉप उनके लिए जिनका एकदम ही बेसिक सा बजट है, अगर ये लैपटॉप नॉर्मल दिनों के अंदर 30,000 का सेल हो रहा है, सेल के दौरान बहुत ही तगड़े प्राइस पॉइंट पे आपको ये मिलेगा। 8GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती हैं। 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगी लैपटॉप में, 220 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 45% NTSC, AMD की रेडियन ग्राफिक्स एंड MS ऑफिस आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है, एंड वो भी सिर्फ 30,000 के लैपटॉप में। एक USB Type-C, 2 USB Type-A, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। एंड ये अपना लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, 45 मिनट्स के अंदर 50% बैटरी चार्ज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, एसर का स्पायर लाइट लैपटॉप है, 35,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। मेटल बॉडी के साथ हमें लैपटॉप मिल जाता है, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो एकदम ही शानदार है। 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, यानी कि आप अपने लैपटॉप को जितना मर्जी पीछे घुमा के मोड़ सकते हो, चाहे तो आप इसके डिस्प्ले को फ्लैट भी कर सकते हो, लेकिन 180 डिग्री से ज्यादा नहीं घूमेगी, तो ना देना कहीं लैपटॉप की डिस्प्ले को। AMD Ryzen 5 प्रोसेसर है, 5500U, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला, 16GB की रैम, 512GB की SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की डिस्प्ले, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाएंगे लैपटॉप में, 3 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI, 3.5mm जैक, साथ में एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो बढ़िया लैपटॉप है, अगर आपका बजट 35,000 रुपीज है, गो फॉर इट। अगला लैपटॉप है लिनोवो का थिंकबुक 15, इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। बड़ा ही शानदार लैपटॉप है, आप जाके ये वाली वीडियो चेक कर लेना अगर आपने इसे पूरे डिटेल के अंदर समझना है। भाई लैपटॉप के अंदर आपको 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, मेटल की बॉडी मिल जाती है, टॉपलेट मेटल की इसकी, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाएगी, एंड राइजन का एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया 7000 सीरीज का, 7330U, 8GB की रैम है, 512GB की SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगी, 60Hz के रिफ्रेश रेट वाली। भाई इसका ग्राफिक कार्ड ना एक बार ध्यान से समझो, देखो इसका जो टोटल ग्राफिक मेमोरी हमें मिलती है ना वो 5GB की है, जो कि इस पीरियड के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको मिलती नहीं है। 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की मेमोरी है खुद की, एंड 3GB शेड मेमोरी, यानी कि अपनी टोटल 8GB रैम में से रैम यूज करेगा 3GB शेड मेमोरी के लिए, तो ये काफी बढ़िया चीज है। इससे क्या होगा कि अगर आपने लैपटॉप पे थोड़े बहुत हैवी काम करने है ना, तो वो चीज इजीली पॉसिबल है इस लैपटॉप पे। पोर्ट्स इसके अंदर हमें भर भर के मिल जाती हैं, इथरनेट पोर्ट होगी, USB Type-A, USB Type-C, HDMI, 3.5mm कॉम्बो, सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा, टोटली पावर पैक फीचर्स वाला लैपटॉप है। अगर आपका एकदम ही बेसिक बजट है 30,000 के आसपास, दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू, इसे तो आप अभी कार्ट में जाके ऐड कर लो। अगला लैपटॉप भी एसर का ही है, एसर एस्पायर लाइट लैपटॉप। देखो एसर के काफी अच्छे लैपटॉप्स आपको इस बजट के अंदर मिल जाते हैं, 34,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है, एंड 34,000 के अंदर आपको i3 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिला लेटेस्ट वाला, 180 डिग्री हिंज के साथ ही, 8GB रैम एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB SSD एक्सपेंडेबल 1TB तक, 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले, इंटेल के USD ग्राफिक्स, 1 USB Type-A, 2 USB Type-A 2.0, 1 USB Type-C 3.2 Gen 2, साथ में एक HDMI पोर्ट है। तो सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं लैपटॉप में, वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, 34,000 रुपीज के अंदर आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स मिल रहे हैं, छोड़ने वाली डील बिल्कुल नहीं है, गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं, डेल का बड़ा ही प्यारा लैपटॉप है, डेल वॉस्ट्रो 3420, इसका भी डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर लेना, एकदम ही शानदार लैपटॉप है ये भी, 36,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। लेकिन इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर मिल जाता है वो 12-15U दिया गया, i3 का 12th जनरेशन। अभी तक के वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप चेक करे ना, उन सभी में से सबसे तगड़े वाला प्रोसेसर यही वाला है, 8GB की रैम, 512GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल, एंड ये लैपटॉप आपको 14 इंच के डिस्प्ले साइज में मिल जाएगा, 14 इंच की फुल एचडी WB एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही, 45% NTSC, इंटेल की USD ग्राफिक्स, 4GB शेड मेमोरी। एंड देखो जब मैं इसका रिव्यू कर रहा था तब मैंने इसके ऊपर गेम्स खेल के देखी है, बैटमैन खेल के देखी है, GT5 खेल के देखी है, मॉर्टल कॉम्बैट खेल के देखी है, सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेबल हैं। गेमिंग के अंदर आप भी अगर आप थोड़े बहुत गेम्स भी कभी-कभी खेलना चाहते हो ना, तो उसके अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस लैपटॉप में, इतना शानदार लैपटॉप है ये। ऊपर से आपको MS Office भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है,
तो ये भी चीज अनोखी है। दो यूएसबी टाइप ए 3.2 जेन 1, एक यूएसबी 2.0 टाइप ए, एचडीएमआई एंड साथ में 3.5mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। अगर ये लैपटॉप आपको अनअवेलेबल मिल जाए फिर आपने एक चीज करनी है कि इसके मैं आपको दो अल्टरनेट ऑप्शंस बताता हूँ। एमएसआई का मॉडर्न 14 लैपटॉप, इसका रिव्यू आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा चैनल के ऊपर। एंड इसका दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन है एसर का एस्पायर 3 लैपटॉप। आप इन तीनों में से बेसिकली किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। मेरी मानो तो आपको डेल वाला लैपटॉप बाय करना चाहिए, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। बट अगर ये लैपटॉप आपको अवेलेबल ही नहीं मिलता फिर आप इन दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, एसर का एस्पायर 5 लैपटॉप। 35,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। भाई एक चीज समझो, अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप्स की बात करी है ना, उन सभी में से सबसे तगड़े वाला प्रोसेसर था 12-15U, लेकिन इसके अंदर आपको 13-15U मिलता है। यानी कि उसका एक सक्सेसर मॉडल, नए वाला मॉडल मिल रहा है इसके अंदर हमें, जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो टोटली अनबीटेबल बन जाती है। सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, इसकी जो रैम है उसकी बात करें तो DDR5 रैम दे रखी है, जो कि इस पैरेट के किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको मिलती नहीं है। 4800 MHz वाली रैम है, एक्सपेंडेबल 16GB तक। एंड इसकी जो स्टोरेज है वो भी लेटेस्ट है, Gen 4 SSD मिल जाएगी आपको लैपटॉप में। बाकी सभी के अंदर आपको Gen 3 SSD मिलती है, 512GB की SSD मिल जाएगी, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। तो ये लैपटॉप टोटली परफेक्ट रहेगा आपके लिए, आप इसे जरूर कंसिडर करो। 15.6 inches की फुल एचडी IPS डिस्प्ले, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इंटेल के USD ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। MS Office हमें 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। दो USB टाइप है, एक HDMI 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो बहुत ही शानदार लैपटॉप है, मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है, इसकी टॉप लेट एल्युमिनियम की मिल जाती है, तो बिल्ड क्वालिटी भी शानदार होगी। MS Office आपको लाइफ टाइम दिया गया, स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा, गो फॉर इट। एंड इसी लैपटॉप का एक जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो है इन्फिनिक्स का लैपटॉप, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। प्राइस दोनों का सेम है एंड बाकी जो सारे स्पेसिफिकेशन है वो भी कंप्लीटली सेम है। बस इन्फिनिक्स वाले में आपको जो रैम मिलती है वो डबल रैम मिल जाती है, 16GB की रैम मिल जाएगी। तो सारे के सारे लैपटॉप एकदम ही शानदार ऑप्शंस है। आपको इनमें से सबसे बड़ी ऑप्शन कौन सा लगा वो चीज मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। एंड इनमें से किस लैपटॉप आपको रिव्यू चाहिए जल्दी से वो चीज भी बता दो। जिस भी लैपटॉप के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे उसका रिव्यू आपको पक्का मिलेगा टेकम पे। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे भी आप मेंशन कर दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।